हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट। दिस इज द थ्योरी एंड आई टीच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक एंड द क्लासिकल थ्योरी इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेल्स लॉ, सेकेंड वन इज वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड वन इज इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड द लास्ट वन इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और QTM। सो लेट्स डू दिस वन बाय वन। So before beginning to our theories, let's first just see quickly the some of the assumptions of the classical theory. So if you understand these assumptions, then you will understand half of the classical theory, because classical theory is based on these assumptions, which is the first one is full employment situation. FE stands for full employment. Now what is full employment? Means full employment वो situation होती है जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं इकॉनमी में वो सब वो यूटिलाइज हो रहे हैं अच्छे से प्रॉपर वे में, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, वेजेस मिल रही हैं और प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, सारे इकॉनमी में जो वर्क है फंक्शनिंग है अच्छे से प्रॉपर हो रही है, तो उस सिचुएशन को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ एडजस्टेड इकॉनमी, मीन्स जो इकॉनमी है मीन्स वो अल्टीमेटली अगर कोई चेंजेस होते भी वो फुल एम्प्लॉयमेंट से वो नीचे आते हुए तो वो अपने आप सेल्फ एडजस्टमेंट के थ्रू मीन्स इकॉनमी में एक इनविजिबल हैंड आता है। इनविजिबल हैंड मीन्स नॉट दिस हैंड बट एक मार्केट फोर्सेज, एक डिमांड और सप्लाई से हम लोग इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं और वो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, मीन्स क्लासिकल के अकॉर्डिंग वो हमेशा मानते थे कि जो मनी है पीपल के पास, लोगों के पास, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करते हैं, मीन्स डेली लाइफ के लिए। सो दीज आर द सम ऑफ द असम्पशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द थ्योरीज। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थ्योरी विच इज सेल्स लॉज ऑफ मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई एन फ्रेंच इकोनमिस्ट नेम्ड जॉन बैप्टिस्ट से, एंड द मेन थ्रस्ट ऑफ दिस थ्योरी इज द सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। मीन्स जितना भी इकॉनमी में प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूसर जितना भी प्रोड्यूस करेगा इकॉनमी में, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से जनरेट हो ही जाएगी। तो ये लाइन, ये टैगलाइन इस थ्योरी की मेन थ्रस्ट है, सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। सप्लाई ऑब्वियसली ये प्रोड्यूसर साइड से होता है, तो मतलब जितना भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा उसकी डिमांड उसे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मीन्स उसका कंज्यूम करने वाला उसे उसके प्रोडक्शन का आउटपुट का कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन अराइज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि डिफिशियंसी अराइज होगी नहीं डिमांड की, क्योंकि जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो प्रॉब्लम ऑफ डिफिशियंसी ऑफ डिमांड नेवर अराइजेज बिकॉज वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड एंड इकॉनमी बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिकल ऑलवेज बिलीव इन द सिचुएशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। नो वॉट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन वेर ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, ऑल द लेबर्स एंड वर्कर्स आर इंगेज इन देयर वर्क। मीन्स जब इकॉनमी अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे है, मीन सारा प्रोडक्शन हो रहा है, लेबर्स इंगेज है अपने काम पे, सबको वेजेस मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एंड क्लासिकल ऑलवेज बिलीव दैट इकॉनमी एट द एंड ऑफ द डे फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पे आ ही जाएगी। दिस वॉज हाईली क्रिटिसाइज बाय कीस लेटर ऑन, विच यू विल सी इन आर अपकमिंग वीडियोज। सो द लॉन्ग एंड नेक्स्ट वन इज दे क्लासिकल ऑलवेज बिलीव इन दैट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। हाउ? अभी इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल हो और क्यों मानते थे? क्योंकि वो मानते थे कि जो दो क्लासेस हैं इकॉनमी में, एक मिडिल क्लास और मीन्स एक लेबर क्लास और एक एम्प्लॉयर क्लास। तो लेबर क्लास के पास तो इतनी इनकम होती नहीं है कि वो सेव करें, लेकिन जो कैपिटलिस्ट होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके पास तो होती है ना। तो ऑब्वियसली अब वो ज़्यादा सारा तो कंज्यूम नहीं करते, वो कुछ सेव भी करते, और वो सेव कहाँ करते हैं? वो बैंक में करते हैं, और बैंक फर्दर उसे क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है। तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल आ जाता है, जिसकी वजह से जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डिमांड अगेन क्रिएट हो जाती है। तो बात वही आ जाती है, सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। एंड इफ डिफिशियंसी ऑफ डिमांड अराइजेस, मीन्स इफ एनी केस अगर डिमांड वो कम भी हो गई, डिक्लाइंस हो गई, तो
प्रोड्यूसर उसे ठीक कर देते हैं। कैसे? बाय मेकिंग चेंजेस इन द प्राइजेस एंड वेजेस, क्योंकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो वेजेस है या प्राइजेस है, वेजेस जो उनको लेबर्स को मिल रही हैं या और प्राइजेस हैं, वो फ्लेक्सिबल है, मीन्स उसे वो चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यही थ्योरी चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी प्राइस एंड वेजेस हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेज थ्योरी इज वेज प्राइजेस फ्लेक्सिबिलिटी। सो अभी तक हम लोग क्या देखा सेल्स लॉ में, कि जितना भी प्रोडक्शन होगा इकॉनमी में वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा। बट इफ़ एनी चांस कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड फॉल हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जिसकी वजह से डिमांड ऑब्वियसली फॉल हो जाएगी। तो और अब इकॉनमी जब डिमांड फॉल होगी तो इकनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से सिचुएशन से नीचे आ जाएगी। तो अब उसे वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट पर ले जाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे, दे विल इमिजिएटली रिड्यूस द प्राइस। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अगर प्राइस फॉल होंगे, वाई दे रिड्यूस द प्राइस, क्योंकि कम प्राइस पे जब पीपल अभी पीपल जनरली डिमांड मोर, क्योंकि डिमांड एंड प्राइस हैव नेगेटिव रिलेशनशिप, वी ऑल नो, वी बाय मोर ऑफ कमोडिटीज एट लोअर प्राइजेस, दैट्स व्हाई। सो when demand falls due to fall in investment, the producer will immediately reduce the prices, which will shift the demand up, obviously. And क्या होगा कि अब लो अगर आउटपुट की डिमांड फॉल हुई है, मीन इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ था, जिससे अब कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिससे लेबर की ज़रूरत प्रोड्यूसर को रहेगी नहीं उतनी, तो ऑब्वियसली फिर डिमांड भी कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा उस सिचुएशन में, प्रोड्यूसर क्या करेगा कि वो वेज कट करने लगेगा, क्योंकि वेज कट करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइजेस फॉल होंगे। मतलब मीन्स पहले हम लोग ने लाइफ फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना कि वो प्राइस रिड्यूस कर होंगे, लेकिन अब वो कैसे होंगे वो इस पॉइंट में बता रहे हैं कि वो वेजेस कट करने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब वेज कट करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम ही हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, जो इनपुट प्राइजेस पे लगती है, मीन्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर पे, लैंड पे, कैपिटल पे। सो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ होगी, एंड वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ होगी तो परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, एंड इफ़ परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड इकॉनमी विल बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थ्योरी ऑल्सो, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन। सो आवर नेक्स्ट थ्योरी इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। सो हम लोग ने अपने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो क्लासिकल है वो ऑलवेज बिलीव करते थे कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल रहता है। तो हम लोग इस थ्योरी में देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो सेविंग क्या होती है, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम जो कंज्यूमर स्पेंड उसको नहीं करता, मीन्स जिसे अपने पास सेव करके रख लेता है, तो वो क्या बन जाती है, लीकेज, मीन्स क्योंकि वो अपनी इनकम में से कंज्यूमर वो लीक कर रहा है, उसे निकाल रहा है, लेकिन वही लीकेज फर्दर वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, जिसको हम लोग इंजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो उसी सेविंग को फर्दर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। मीन्स प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सेव करते हैं उसको, फर्दर वो बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो फर्दर लीकेज इंजेक्ट बन जाता है। तो हेंस सेविंग बराबर आ जाती है इन्वेस्टमेंट के। तो अब क्लासिकल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल गिव टू मच इम्पोर्टेंस ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच वॉज अगेन हाईली क्रिटिसाइज बाय कीन्स। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एक ऐसा फैक्टर है जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है, मीन्स इन्हीं रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी आती है। तो जो सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पॉजिटिवली रिलेट करता है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सेविंग भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली कंज्यूमर जनरली तब प्रेफर करेंगे सेव करना जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली रिलेटेड होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा कभी भी महंगे पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा लेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है, एंड द सेविंग कर्व ऑलवेज बी अपवर्ड, और जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है, यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। सो हियर द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी डिटरमाइन। So I hope you are clear with this also. So let's move to our next theory. So the last theory of classical theory of employment is QTM, which is quantity theory of money. So now what quantity theory of money says that, first of all, see the formula of this theory. This formula is the whole
क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी विच इज एम वी इज इक्वल टू पी टी मीन्स एम वॉट एम इज हेयर एम इज मनी सप्लाई वी इज वेलोसिटी ऑफ मनी टी इज ट्रांजेक्शन ऑफ द टोटल आउटपुट विच इज प्रोड्यूसिंग एंड प्री इज द प्राइजेस सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स दिस वी एंड टी मीन्स आउटपुट एंड वेलोसिटी ऑफ मनी वेलोसिटी मीन्स जो भी मनी सर्कुलेट कर रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगा मीन्स दिस एंड टी मीन्स जो आउटपुट है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है तो वो कांस्टेंट है तो जो मनी सप्लाई है तो उसका सीधा जब मनी सप्लाई चेंज होगी तो उसका सीधा अफेक्ट पड़ेगा किस पे प्राइजेस पे सो चेंज इन मनी सप्लाई विल नॉट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ओनली अफेक्ट द प्राइजेस सो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो उसका सीधा अफेक्ट पड़ेगा प्राइजेस पे विच इंक्रीज होंगे जो सो यू कैन सी फ्रॉम दिस कर्व ऑन वाई एक्सेस दिस इज वाई एक्सेस आउटपुट हैव बीन टेकन एंड ऑन एक्स एक्सेस प्राइजेस हैव बीन टेकन दिस इज द आउटपुट लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल मीन्स आउटपुट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द शॉर्ट रन एम वी इज द इनिशियल मनी सप्लाई एंड ओ पी इज द प्राइजेस सो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है फ्रॉम एम वी टू एम वन वी पे तो एज यू कैन सी आउटपुट चेंज नहीं हुआ आउटपुट अभी भी उसी लाइन पे है बट प्राइजेस अब चेंज हो गए हैं पी से और पी वन पे सो कॉइन थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है कि जैसे ही मनी सप्लाई चेंज होगी उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा प्राइजेस पे एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थ्योरी लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट विच इज क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज अनरियलिस्टिक द एफ ई स्टैंड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट आई रिटन इन शॉर्ट फॉर्म सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द स्टार्टिंग दैट जो क्लासिकल थे ऑलवेज बिलीव कर रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में मीन्स कि इकोनॉमी में हमेशा एम्प्लॉयमेंट रहेगा ऑप्टिमम पॉइंट पे रहेगी एंड ऑल दैट बट थिंक अबाउट इट थिंक लॉजिकली गाइस दैट एक डेवलपिंग कंट्री में स्पेशली लाइक इंडिया यहाँ पे सबके पास एम्प्लॉयमेंट है क्या ऑब्वियसली नहीं तो एक डेवलपिंग इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अज्यूम करना इज जस्ट नॉट लॉजिक इज टोटली अनरियलिस्टिक सो ये इनवैलिड हो गया ये वाला तो अजम्पशन यहाँ पे क्रिटिसिज्म बन गया नेक्स्ट वन इज रिफ्यूज सेस लॉ तो जो कीन्स थे उन्होंने उन कीन्स ने ये सारे क्रिटिसाइज किए क्लासिकल थ्योरी के सो उन्होंने सेल्स लॉ को भी क्रिटिसाइज कर दिया सेल्स लॉ क्या कहता था जो जितना भी प्रोडक्शन होगा इकॉनमी में वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा बट कीन्स ने कहा था कीन्स ने कहा ऐसा नहीं है क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन है ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सारे इनकम उस पर खर्च कर दे सारे अपने कंजप्शन पे वो कुछ अपने पास भी सेव करके रख लेते हैं जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है और वो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो कंज्यूम नहीं हो पाता तो यहाँ पर सेल्स लॉ भी इनवैलिड हो गया नेक्स्ट वन इज सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल सो क्लासिकल के अकॉर्डिंग इकॉनमी में हमेशा एक इनविजिबल हैंड आता है नॉट दिस हैंड बट एक लाइक मार्केट मैकेनिज्म लाइक डिमांड एंड सप्लाई से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है बट कीन्स का ऐसा नहीं है इकोनॉमी में स्पेशली इन डेवलपिंग इकॉनमी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है जो जिसको क्लासिकल ने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को बिल्कुल ही मना कर दिया था रिफ्यूज़ कर दिया था बट कीन्स ने बहुत ज़्यादा फोकस किया गवर्नमेंट के इंटरवेंशन पे क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड डेवलपिंग इकॉनमी और यूडीसीज कैन नॉट वर्क प्रॉपरली नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम सो क्लासिकल ने हम लोग ये देखा कि क्लासिकल ने सिर्फ इसको इंपॉर्टेंस दी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बट उन्होंने मॉनेटरी फैक्टर्स को तो फोकस ही नहीं किया जो था इनकम जो कि क्वाइट लॉजिकल है कीन्स के अकॉर्डिंग क्योंकि जो सेविंग है इन्वेस्टमेंट है वो तो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट जो क्लासिकल थे वो मानते थे सिर्फ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसे डिटरमाइन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बट नो इन्वेस्टमेंट होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से बट दो चीज़ों से होते हैं एक फर्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकेंड वन इज एम ई सी विच इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तो
इन्वेस्टमेंट उससे हो गया, और जो सेविंग है वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, इनकम से हमारी, क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग सेव करेंगे ना, तो सेविंग इनकम से इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे भी क्लासिकल फेल हो गए। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस टू स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। मीन्स जो क्लासिकल थे वो सिर्फ ट्रांजेक्शन पे फोकस करते थे, मीन्स जो कंज्यूमर्स है जो नॉर्मल पीपल है वो सिर्फ जो पैसे स्पेंड करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, वो सिर्फ डे टू डे लाइफ के लिए अपने को स्पेंड करने के लिए करते हैं। बट कीन्स के अकॉर्डिंग वो प्रिकॉशनरी मीन्स इमरजेंसी टाइप के लिए भी पैसे रखते हैं अपने पास, और स्पेकुलेटिव पर्पज़ से भी रखते हैं। स्पेकुलेटिव पर्पज़ से मतलब शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए। एंड द लास्ट वन इज रिजेक्शन ऑफ क्यूटीएम। मीन्स कीन्स ने क्या किया कि उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ही रेफ्यूज़ कर दिया। क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बोलती थी कि मनी सप्लाई में जैसे चेंजेस आएगा उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा प्राइसेस पे, और आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट रहेंगे। बट कीन्स ने बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पीपल अपने बैंक में मनी डिपॉजिट करने लगे तो मनी सप्लाई उससे वेरी होगी, जिससे इन्वेस्टमेंट भी वेरी होगा, जिससे डिमांड भी चेंजेस आएगा डिमांड में, तो मनी सप्लाई में उसमें वेरी हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी फेल हो गया। तो दिस आर द क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज़ हाईली क्रिटिसाइज बाय कीन्स। आई होप यू आर ऑल क्लियर विद इट। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन आई एम श्योर यू विल नॉट गोइंग टू रेफर एनी बुक, बिकॉज जितना भी मैंने भी बताया वो सब बुक का ही समेशन है। मीन्स एच एल आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक, उसी का मैंने सब सम अप करके ही मैंने इसमें बताया है। सो यू डोंट नीड टू हैव रेफर टू एनी बुक आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। सो इफ यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।